नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एआर एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम बात कर रहे थे राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के बारे में, जो भी लिस्ट है शुरू से लेकर टिल द इंडिपेंडेंस, फ्रॉम द इंडिपेंडेंस टिल डेट, जितने भी मुख्यमंत्री हुए उनके बारे में हम पढ़ रहे थे। और पिछले वीडियो में हमने ये देखा कि 1980 के इलेक्शन में हरिदेव जोशी, फिर शिवचरण माथुर, फिर वापस हरिदेव जोशी और देन भैरू सिंह शेखावत के दो टेन्योर थे। पहला छोटा था, मतलब 1977 वाला नहीं कह रहा मैं, 1990 में जो इलेक्शन हुए वो 2 साल तक ही रहे सीएम। सरकार को बर्खास्त कर दिया गया, सस्पेंडेड द बीजेपी गवर्नमेंट ऑफ ऑल द स्टेट्स ड्यू टू कम्युनलिज्म दैट हैज एक्सपेंडेड इन द कंट्री। और अगला जो इलेक्शन हुआ 1993 में, फिर बीजेपी की गवर्नमेंट बनी और भैरू सिंह शेखावत ने अपना 5 साल का टेन्योर पूरा किया। अब आते हैं हम अगले इलेक्शन पर, 11th इलेक्शन 1998। हम में से काफी लोगों ने ये इलेक्शन देखे भी होंगे। हम में से का मतलब है मेरी एज के जो लोग हैं, या हालांकि गवर्नमेंट ने 40 ईयर्स की एज तक गवर्नमेंट वैकेंसीज के द्वार खुले रखे, तो कहीं लोग ऐसे हैं जो 37-38 की एज तक भी पढ़ते हैं। आप अगर देखोगे तो पिछली जो टॉपर थी इस वैकेंसी की, नहीं अभी जो रिजल्ट आया 21 वाला नहीं, 18 की जो टॉपर थी वो थी मुक्ता राव, और 38 साल की उम्र में शायद उन्होंने टॉप किया है। तो 40 ईयर की एज दे रखी है, तो आप अगर 38 साल के हो आज, तो इन इलेक्शंस के समय आपकी उम्र करीबन करीबन 12-13-14 साल रही होगी, और उस समय आप शायद अगर स्कूल में अच्छे से पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस को समझते हैं, अगर आपके शिक्षकों ने आपको बताया होगा, तो आप जानते होंगे कि इलेक्शंस कैसे लड़े जाते हैं, मुख्यमंत्री कौन होता है, प्रधानमंत्री कौन होता है। ठीक है, 11th इलेक्शन 1998, रिजल्ट इतना ह्यूज मार्जिन, कांग्रेस 153 सीट, इसका मतलब आप ये समझ लो एक तरफा, आप 3/4 सीट्स को जीतते हो, अपना दावा पेश करते हो 3/4 सीट पर, तो वोट भी आपके करीबन 50% प्लस आए ही होंगे, और 50% से ज्यादा वोट किसी एक पार्टी को मिलते हैं तो लोगों का सीधा झुकाव आपकी तरफ बहुत ज्यादा है। इसके पीछे रीजन क्या हो सकते हैं? रीजन यही हो सकते हैं कि शायद लोगों को ऐसा लगा होगा कि बीजेपी जो इलेक्शन लड़ रही है वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व के नाम पे, और इस तरीके से डेवलपमेंट भी डेवलपमेंट वैसे किसको बोल सकते हैं, सरकार अपनी तरफ से जो काम करती है या व्यक्ति अपनी खुद की मेहनत से आगे बढ़ता है, हालांकि दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं होता ही। तो शायद इस टेन्योर में लोगों को लगा होगा कि बीजेपी सिर्फ हिंदुत्व के नाम पे चल रही है और बीजेपी की जो लीडरशिप है वो भी चेंज नहीं हो रही, तो लोगों ने पूरा का पूरा, और इस समय 3 नेता बड़े थे, मिर्दा फैमिली, परसराम मदेरणा और अशोक गहलोत, तो तीनों अलग अलग रीजन से आते हैं, तो तीनों ने कोशिश पूरी की होगी सरकार को लाने की, और सरकार को लेकर भी आए वो, और इतने ह्यूज मार्जिन से लेकर आए कि मुख्यमंत्री पद की फिर दौड़ शुरू हो गई। अब सेंट्रल में भी ना इंदिरा गांधी है ना राजीव गांधी है, कांग्रेस जो चल रही है वो सोनिया गांधी पर डिपेंड होकर चल रही है, और इसी टाइम पे लोकसभा के जो इलेक्शंस हुए थे उस समय बीजेपी को थोड़ी बहुत मेजोरिटी मिली, सरकार भी बनाई थी बीजेपी ने, फर्स्ट टाइम बीजेपी गवर्नमेंट आई, सिंगल पार्टी गवर्नमेंट पहली बार 1998 के इलेक्शन में। इससे पहले कुछ दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे अटल बिहारी वाजपेयी 1996 में, बट वो मेजोरिटी शो नहीं कर पाए, फ्लोर टेस्ट पर जा नहीं पाए। अब इस समय मुख्यमंत्री पद को लेकर जो दौड़ में शामिल थे मुख्यमंत्री को लेकर, वो थे परशुराम मदेरणा, अशोक गहलोत, राम सिंह विश्नोई, और भी बड़े नेता थे, सबके नाम हम लेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इतने सारे नाम याद रखे कैसे जाएंगे। तो परशुराम मदेरणा महिपाल मदेरणा के पिताजी, दिव्या मदेरणा के दादाजी, तो ये एक सिक्वेंस चलाता है हमारे यहाँ डायनेस्टिक पॉलिटिक्स जिसको बोलते हैं, ये भी हमारी पॉलिटिक्स की कुछ कमियां हैं, तो उन कमियों को कभी और पॉलिटिक्स की जो क्लास होगी कि राजस्थान के अंदर कास्टिज्म पॉलिटिक्स के अंदर कास्ट क्यों होती है, रीजनलिज्म क्यों होता है, विदाउट डेवलपमेंट की बातें क्यों की जाती है, तो ये अलग से टॉपिक है। वोटिंग हुई और अशोक गहलोत पहली बार एमएलए के कॉन्फिडेंस के साथ सीएम बने, और सेंट्रल की भी इनका पूरा सपोर्ट किया गया था। अब सेंट्रल का सपोर्ट क्यों था, शायद ये राजीव गांधी के करीबी थे, और राजीव गांधी की डेथ के बाद सोनिया गांधी जी ने कांग्रेस के कमान संभाली, और सोनिया गांधी उन सभी लोगों को पार्टी के अंदर बड़ा पद देना चाहती थी जो लोग राजीव गांधी के नज़दीकी थे, और वो शायद पार्टी को अच्छे से मैनेज कर सकते थे, यही कारण रहा होगा। इसलिए परशुराम मदेरणा को
हटाते हुए, हटाते मतलब इग्नोर करते हुए अशोक गहलोत को पहला सीएम बनाया गया, पहली बार सीएम बने। उस समय वो उससे पहले वाली सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर भी थे, उससे पहले भी मिनिस्टर रह चुके हैं, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। तो उन्होंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट खाली करके सरदारपुरा सीट जोधपुर की, जिससे आज भी वो चुनाव लड़ते हैं, और उन्होंने सरकार बनाई, विधायक बन गए वो। और सरदारपुरा से जो सीट खाली की वो थे मान सिंह, ठीक है ना, ये मान सिंह देवड़ा रिजाइन फ्रॉम दी सीट, ही वॉज प्रीवियसली इलेक्टेड फ्रॉम दी सरदारपुरा सीट एज एमएलए। तो होता है नेताओं के बीच में अगर दोस्ती है और किसी नेता का कद बहुत बड़ा हो गया है तो शायद उसको आगे प्रमोट करने के लिए कुछ लोग अपना त्याग पत्र दे देते हैं, उनके लिए त्याग कर देते हैं। अशोक गहलोत सीएम बने, स्मूथली हैंडल किया, क्योंकि यहाँ स्टेट में सीएम कांग्रेस के और सेंट्रल में बीजेपी के, इनकी भी छवि अच्छी वाली इमेज थी, और सेंट्रल में अटल बिहारी वाजपेयी की छवि बहुत अच्छी थी। हेल्दी पॉलिटिक्स के लिए आज भी हम अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हैं। तो अशोक गहलोत स्मूथली हैंडल्ड द एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे तरीके से, और डेवलपमेंट का एक नजरिया कि हाँ भाई डेवलपमेंट क्या होता है, कैसे करते हैं, कोशिश की इन्होंने। दिक्कत ये थी कि इतना बड़ा मार्जिन था, परसराम मदेरणा को नहीं बनाना था, तो अशोक गहलोत को सपोर्ट के लिए लास्ट में, शुरू में नहीं, जब टेन्योर पूरा होने को आया तब दो उप मुख्यमंत्री बनाए गए खुश करने के लिए, कहीं ये विरोध ना कर दे आने वाले चुनाव में। तो राजस्थान के दूसरे और तीसरे उप मुख्यमंत्री बनवारीलाल बैरवा टोंक से और कमला बेनीवाल बैराट, विराटनगर जिसका नाम है, अलवर से, इन दोनों को क्या बनाया गया, उप मुख्यमंत्री कुछ महीनों के लिए, लास्ट टेन्योर जब खत्म हो रहा था, जब नेक्स्ट इलेक्शन आने वाले थे। अब नेक्स्ट इलेक्शन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट इलेक्शन 12th इलेक्शन 2003, बिल्कुल पासा पलट गया। पासा इसलिए पलटा कि बीजेपी लेड गवर्नमेंट जो थी सेंट्रल में, उसने कुछ अपनी ऐसी पॉलिसीज को शो किया जिसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, नदी जोड़ो योजना, कोशिश की, परमाणु का उन्होंने टेस्ट कर दिया था। तो हर मोर्चे पे 1999 का जो वॉर हुआ, कारगिल वॉर, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी को, लीडरशिप कैपेबिलिटी को शो किया, और इसका फायदा राजस्थान की जनता को मिलने ही वाला था, और मिला भी। तो 12वें इलेक्शन के अंदर बीजेपी की 120 सीट्स और टोटल सीट थी 200, कांग्रेस 153 से 5600 सीट हारते हो, आपको हार का जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी। अशोक गहलोत के एक नहीं, ये जो टेन्योर है 2023, ये तीसरी बार हुआ है जब उन्होंने कांग्रेस को अर्थ से फर्श पर लेकर, और वापस कांग्रेस को खड़ा पता नहीं कौन करता है, और अशोक गहलोत सीएम की कुर्सी पर आ जाते हैं। इस बार भी अगर कांग्रेस जीतती तो अशोक गहलोत सीएम का पद छोड़ने वाले नहीं थे, और वो बन भी जाते। और बनते कैसे, ये जो हाईकमांड शब्द है, हाईकमान तय करेगा, अभी हाईकमान क्या तय करता है क्या नहीं तय करता है, अभी भी जो हो रहा है वो गलत ही हो रहा है। राजस्थान की जनता को अधिकार है, उन्होंने एमएलए चुने, और एमएलए को अधिकार है सीएम चुने, बट अब कहां से डिसाइड हो रहा है, सेंट्रल से डिसाइड हो रहा है। अब बीजेपी की सरकार आ तो गई, कोई बड़ा नेता नहीं, क्योंकि भैरव सिंह शेखावत ने किसी का कद बड़ा होने नहीं दिया, और इस समय तक भैरव सिंह शेखावत थोड़े से, और शायद वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के लिए भी वो लगे हुए थे, 2002 में बन चुके थे, इसका थोड़ा सा एक बार चेक करना पड़ेगा कि आप, ये आपके लिए एक तरह से होमवर्क कि भाई भैरव सिंह शेखावत वाइस प्रेसिडेंट कब बने। उनका कद थोड़ा बड़ा हो गया, तो वो सीएम पद के लिए वैसे भी नहीं थे, दौड़ में भी नहीं थे उस समय, तो कोई बड़ा नेता नहीं था। वसुंधरा राजे, सिंधिया फैमिली ग्वालियर से आती है, धौलपुर में इनकी विवाह हो रखा है, और झालरापाटन सीट, झालावाड़ का जो आउटर एरिया है झालरापाटन, वहां की सीट से ये वापस, पहले केंद्र में मंत्री थी, उनको बुलाया गया, सीएम का पद दिया गया इनको, और फिर झालरापाटन सीट से इनको चुनाव लड़वाया गया। तो वसुंधरा जी राजे आपके नेक्स्ट सीएम बनती है, अचानक से लॉन्च किया जाता है हाईकमांड से, जनता की पसंद से नहीं। अब बीजेपी के बड़े नेता क्यों नहीं थे, लीडरशिप क्यों नहीं थी, ये एक क्वेश्चनेबल है, क्योंकि अगर कोई बड़ा नेता बीजेपी का पीछे अपने किसी को एमर्ज नहीं होने देता, आपस में काटने में रहते हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ सेल्फिश मोड पे चल रहे हैं, आप पार्टी के लिए या देश के लिए काम नहीं कर रहे हैं, ये सत्य है। क्योंकि अगर आपको लगता है कि मुझे देश के लिए और पार्टी के लिए काम करना है, तो आपने जब सीएम रह गए हो कुछ समय तक, तो आपको पद छोड़ देना चाहिए और फिर नया कैंडिडेट तैयार करो, क्योंकि जिस दिन आप चले गए
उसके बाद में ये जो पार्टियों के हालात हो रहे हैं वो होंगे। 100 सीट कम होने का मतलब अशोक गहलोत पता नहीं क्यों, तो बीजेपी के साथ भी वैरो सिंह शेखावत ने ऐसा ही किया और वैरो सिंह शेखावत की धीरे धीरे इमेज थोड़ी डाउन भी हो गई बाद में लोगों के मन में, जनता में, कि भाई नहीं ये जो आदमी है शायद अपने लिए सिर्फ अपनी ही बात करता है, लीडरशिप खुद की डेवलप करना चाहते हैं। क्योंकि उनके बाद में अगर राजस्थान का कोई बड़ा नेता हुआ तो वसुंधरा राजे, राजेंद्र राठौड़ जरूर उस इलाके से आते हैं। बाकी बीजेपी का बड़ा नेता मैं पिछले 15 साल से जहां तक जानता हूं वसुंधरा राजे के अलावा, अब जो ये कमी महसूस हो रही है ये इसलिए कमी महसूस हो रही है कि कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो पूरे पूरे राज्य के अंदर अपना वर्चस्व अपना डोमिनेंस रखता हो। वसुंधरा राजे सीएम रह चुकी है इसलिए उसको सारे जानते हैं। इसके अलावा बीजेपी का और कौन नेता है जो सीएम पद की दौड़ में है, वो ठीक है हाईकमांड डिसाइड कर रहा है वो अलग बात है, बट अभी वर्तमान में वसुंधरा राजे के इक्विवेलेंट कोई नहीं है। सेम वसुंधरा राजे जिस समय बनी थी पहली बार सीएम, उस समय बीजेपी का कोई नेता नहीं था, इसलिए हाई कमांड ने डिसाइड किया सीएम किसको बनाना, वो अपनी पसंद से भेजेंगे। नेक्स्ट 2004 के इलेक्शन आने थे तो उनको डर था कि हमारे भी वोट आ जाएंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जो सीट है वो कंप्लीट हो जाएगी, तो सब अपना अपना थोड़ा सा मोटिव तो रहता ही, बट फिर भी नेशन फर्स्ट वाली थ्योरी बीजेपी की है, लेकिन कभी कभार बीजेपी इससे भटक भी जाती है। तो 5 साल पूरा, क्योंकि क्लियर मेजोरिटी है, ज्यादा कोई अड़चन है नहीं सीएम बनने में, तो 5 साल पूरे वसुंधरा राजे ने निकाल दिए। फिर आते हैं 13th इलेक्शन। इस बार मामला टक्कर का था, टक्कर का तो नहीं कह सकते हैं, बट बीजेपी कहीं ना कहीं बैकफुट पे आई 2003 के इलेक्शन में, सॉरी ये 2008 के इलेक्शन है, उसमें तो बीजेपी जीती थी 2008 में। अब कारण क्या है, सेंट्रल के अंदर यूपीए की गवर्नमेंट बनी और मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया। मनमोहन सिंह अच्छे फाइनेंशियल कंसल्टेंट कह सकते हैं, आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके थे, और प्रधानमंत्री का जब उनको पद दिया गया, हालांकि वो भी एक कंट्रोवर्शियल इशू कि प्रधानमंत्री उनको इसलिए बनाया गया कि गांधी फैमिली का जो भी बनता है उसकी डेथ होती है, तो इस तरीके की जो बातें हैं वो हवा हवाई होने लगी, तो फिर और सिखों को खुश करने के लिए सिख दंगे जो हुए थे 84-85 में, उसको उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए एक नया चेहरा, और रियली देखा जाए तो एलिजिबल चेहरा था, बट दिक्कत ये हो गई ना कि सारे जो काम होते थे वो सोनिया गांधी जी के थ्रू होते थे, ऐसा उस समय की हलचलें चला करती थी। तो इन्होंने दो अच्छे अच्छे प्रोविजन लाए, एक तो शायद आरटीआई था और एक नरेगा। ये अच्छे प्रोविजन्स की वजह से जो ग्राउंड लेवल पे जो लोग थे, गरीब जो लोग थे, उनको पता लगने लग गया कि ये जनता हमारे लिए, ये सरकार हमारे लिए काम कर रही है। तो अगले इलेक्शन में कांग्रेस को सीटें ठीक ठाक डेवलप हो गई, कांग्रेस की सीटें लगभग दुगनी तो नहीं हुई बट उससे कम, और बीजेपी 78, बीएसपी यूपी ओरिजिन पार्टी मायावती जिसकी प्रमुख थी उसको 6 सीटें मिली, और ये शेखावटी की 6 सीटें, और ये 6 के 6 लोग बाद में किसमें आगे कांग्रेस को समर्थन दे दिया, 96+6 102। और अशोक गहलोत जो 5 साल बिल्कुल शांत बैठे थे वो अचानक से वापस लीड में आते हैं, और बिना किसी चैलेंज के, बिना किसी रेस के अशोक गहलोत को डायरेक्टली सीएम डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो अशोक गहलोत इलेक्टेड एज अ सीएम ऑफ राजस्थान, दोनों जगह पे सेंट्रल में और स्टेट में कांग्रेस की गवर्नमेंट, बल्ले बल्ले वाली स्थिति। तो वहां अच्छा काम हो रहा है, वहां से आप फंड मांगते रहो, वहां से फंड आता रहेगा, आप यहाँ काम करवाते रहो। ये भी हमें एक अलग से क्लास इसकी पढ़ेंगे कि कौन कौन से टेन्योर में मेजर डेवलपमेंटल वर्क्स हुए। यहाँ पर अभी हम सिर्फ पॉलिटिकल क्राइसिस या पॉलिटिकल इवेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, सिर्फ मुख्यमंत्री कौन बना कैसे बना उसके बारे में पढ़ रहे हैं, बाकी जो डेवलपमेंट है पॉलिटिक्स के अंदर राजस्थान की या भारत की जो भी पॉलिटिक्स है उसमें कास्ट का रोल क्या हो सकता है, उसके अंदर आपकी डायनेस्टिक डेमोक्रेसी क्या होती है, डेमोक्रेसी क्या रियल फॉर्म में चल रही है या नहीं चल रही है, ये सारी चीज़ें इनके लिए अलग से एक क्लास होगी। और वैसे हम आरएएस के जब बैच पढ़ाते हैं तो उसमें ये सारी चीज़ें क्लियरली बताई जाती है। चलो, और ये जो 6 बीएसपी के विधायक थे इन्होंने बाद में कांग्रेस ही ज्वाइन कर दी थी। तो अब एक दिक्कत होती है इसमें, एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून, कोई भी विधायक जिस पार्टी से चुनकर आता है या कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो अपनी पार्टी को नहीं छोड़ सकता। अगर वो दूसरी पार्टी में शामिल होता है तो उसका पद, उसकी सीट खाली करवाई जाएगी और दोबारा इलेक्शंस होंगे। लेकिन यहां क्या हुआ, 6 के 6 बीएसपी के विधायक कहां चले गए, कांग्रेस में चले गए।
लेकिन इनकी सदस्यता नहीं गई। अब समझना, ये विधायक थे। अब विधायक है इसका मतलब राजस्थान के अंदर की बात है, सेंट्रल से इसका कोई लेना देना ही नहीं है। कितने हैं? 6। इसको हम 100% मानते हैं, 6 के 6 चले गए। यानी कि अगर 2/3 से ज्यादा, मोर देन 2/3 ऑफ कैंडिडेट्स चेंजेस द पार्टी, देन दिस लॉ विल नॉट बी इंप्लीमेंटेड ऑन देम। लेकिन यहां तो 100% जा रहे हैं, तो इन पर किसी तरह का दल बदल कानून लागू नहीं हुआ। लेकिन ये सोचने वाला विषय है, आपको जनता ने चुना है बीएसपी के कैंडिडेट के फॉर्म में, आप कांग्रेस में चले गए, लोगों के साथ सीधा धोखा। ऐसा ही अभी लेटेस्ट केस महाराष्ट्र में देखने को मिला, वो एक अलग तरीका केस था, वो भी एक तरह से देखा जाए तो वो ब्रीच, जनता के साथ धोखा है। जनता ने आपको जिस मोड में, जिस पर्सपेक्टिव से चुना है, आप उस पर्सपेक्टिव पर कोई नहीं, आप अपने स्वार्थ के लिए, अपने पार्टी के लिए, अपने आंखों को खुश करने के लिए आप किस तरीके से अपने आप को चेंज करते हैं, या लालच, पद के लालच के लिए। तो महाराष्ट्र वाला भी केस सुप्रीम कोर्ट ने काफी बारीकी से सुना और अभी तक उसमें कोई खास फैसला नहीं आया है, सरकार चल रही है वहां पर। इस ये जो अभी सरकार बनी उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जब चुनाव हुए थे और चुनाव में जब फोर फ्रंट हो गए थे, बीजेपी शिवसेना का अलायंस था और एनसीपी कांग्रेस का अलायंस था, दोनों ने जनता के सामने इस मोड में चुनाव लड़ा। रिजल्ट आने के बाद बीजेपी और शिवसेना के बीच में सीएम पद को लेकर लड़ाई हो गई, तो शिवसेना ने बीजेपी को छोड़ दिया, जबकि शिवसेना और बीजेपी के अलायंस को जनता ने वोट दिया था और सीएम बने उद्धव ठाकरे कांग्रेस एनसीपी के सपोर्ट से, जिनको जनता ने हराया। अब अगर इस आप पूरे घटनाक्रम को, पूरे इवेंट्स को देखोगे तो आपको खुद को लगेगा कि हाँ, ये तो जनता के साथ धोखा है। तो डेमोक्रेसी में हमारे बहुत कमियां हैं, उन कमियों को भी हमें पूरा करने की जरूरत है। अब आते हैं नेक्स्ट इलेक्शन 2013, और ये जो इलेक्शन था ये कहीं ना कहीं अगले 2014 वाले लोकसभा इलेक्शंस का एक ट्रेलर था कि आने वाले 6 महीने बाद लोकसभा के इलेक्शंस में नॉर्थ इंडिया में क्या होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस की गवर्नमेंट, जो केंद्र की कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उसको 9 साल हो गए। कितने साल हो गए? 9 साल। अब कांग्रेस की 9 साल की गवर्नमेंट में शुरू में अच्छे काम हुए, बाद में करप्शन की जड़ी लग गई। अब करप्शन भी आपको सारे तो नहीं, पर सारे तो पता है, जैसे क्योंकि अलायंस करते हैं ना पॉलिटिक्स में, जब भी अलायंस होता है ना, तो अलायंस वाली पार्टी से जिनको पता है कि हमारे सपोर्ट से सरकार बनी है, तो वो उसको हराने की मतलब वो उसको फंसाने की पूरी कोशिश करते हैं और अपने मर्जी के हिसाब से काम करते हैं। ऐसा ही हुआ, 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, ठीक है, फिर लालू प्रसाद यादव के जो कुछ पहले घोटाले थे, इसके अलावा टेररिज्म चरम पर था, हमारे सैनिकों के सर काट कर ले जाए जा रहे थे, कश्मीर के अंदर टेररिस्ट एक्टिविटी बढ़ गई, 2008 के बम धमाके नहीं सॉरी 2008 का जो टेररिस्ट अटैक के कसाब वाला, ये सारे इतनी सारी इवेंट हो गए ना, तो एक अनस्टेबिलिटी ऐसी आ गई जनता में, जनता को चाहिए था कुछ चेंजेस, कुछ नया लीडर। बीजेपी के पास लीडरशिप थी नहीं, और गुजरात मॉडल उस समय पूरे देश में फेमस हो रहा था, तो गुजरात मॉडल जिसकी वजह से फेमस हुआ, नरेंद्र मोदी को फिर सेंट्रल में चेहरा बनाया गया और 2012 में उन्होंने चुनाव प्रचार शुरू किया, 2014 तक 2 साल तक धुआंधार प्रचार, हर चीज को उन्होंने मुद्दा बनाने की कोशिश की। और इसी क्रम में राजस्थान के जब चुनाव आए विधानसभा के, तो आज तक की सबसे बड़ी जीत आपके सामने दिख रहा होगा, बीजेपी 163, कांग्रेस 21, फिर वही अशोक गहलोत, पिछली बार 100 सीटें माइनस करवाई और इस बार आपके कितनी सीटें माइनस होगी? करीबन करीबन 70-80 सीटें। भाई आप मुख्यमंत्री हो, 80-60-70-100 सीटें आप माइनस करवा रहे हो, आपको जनता नकार रही है, आप दोबारा किसी भी समय भविष्य में कभी भी आप आने के लायक नहीं है। और अगर आपकी पार्टी जीत भी जाती है तो आपके लिए वोट नहीं दिया उन्होंने, लेकिन आप क्या करते हो जीतने के बाद, ऊपर हाई कमांड वगैरह सीनियर नेता आका, इनको इस तरीके से अपने ही बातों में, अपने ही कॉन्सेप्ट में घुमाते हो कि आप सीएम बन जाते हो और जनता ठगी रह गई, और जनता ने जिसके नाम पर वोट दिए वो चुपचाप देखते रहते, कुछ कर भी नहीं पाते। ऐसा राजस्थान में एक बार नहीं, बहुत बार हुआ है, ये देख लो, पहली बार वैसा हुआ। अब इस बार जो हालत की है कांग्रेस की, और ये कोई बीजेपी की यहाँ की लीडरशिप ने नहीं की है, ये नरेंद्र मोदी का जो चेहरा था, जो उनका विजन था, जो गुजरात मॉडल था, उसको पूरे देश में लागू करने के चक्कर में ऑल टाइम हाई मेजोरिटी
कांग्रेस सिर्फ 21, सिर्फ एक सीट कम आती ना, एक या दो सीट, ऑपोजिशन में बैठने लायक भी नहीं रहते, 10% चाहिए ऑपोजिशन में बैठने के लिए। ठीक है, कारण इतनी बड़ी मेजोरिटी के पीछे कारण भी आपको थोड़े से पता होना चाहिए। करप्शन चार्जेस सेंट्रल गवर्नमेंट पर देखे ही हमने, लीडरशिप ऑफ मोदी। हाँ, एक और बड़ा सा केस हुआ था, अब काफी फेमस केस है, हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, आपको बता देते हैं हल्का सा। कांग्रेस के एक नेता हुआ करते थे महिपाल मदेरणा, परसराम मदेरणा के पुत्र, जोधपुर ओशिया से। और एक और नेता हुआ करते थे राम सिंह बिश्नोई के पुत्र मलखान सिंह बिश्नोई लूणी, ये दोनों जोधपुर से। एक ANM थी भंवरी, और उनका इन नेताओं के साथ नजदीकियां थी। फिर कुछ वीडियो भी रिलीज हो गए, CD वगैरह रिलीज हो गई उस समय, एक तरह से रेप केस बना, वीडियो रिलीज हुए, और उस महिला ने, भंवरी ने ब्लैकमेल करने की कोशिश की, उसका मर्डर हो गया। और बहुत, एक तरह से बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल केस, और उसने इस राजनीति को इतना, मदेरणा और मलखान सिंह बिश्नोई की तो राजनीति खत्म ही हो गई, मदेरणा को तो जेल भी हो गई, और अभी कुछ समय पहले ही उनकी मृत्यु भी हो गई। तो ये 3 प्लस टेररिज्म तो था ही था अपने लेवल पे, और बाकी और भी मुद्दे चलते रहते हैं। तो इसकी वजह से बीजेपी को भयंकर बहुमत, फिर वही बात, बीजेपी का कोई दूसरा बड़ा नेता नहीं, सेंट्रल के सपोर्ट से जीते हो। तो वसुंधरा राजे ने एज ए CM क्या किया, कंटिन्यू किया। तो नेक्स्ट जो CM बनती है वो भी कौन बनती है, वसुंधरा राजे। सबसे पहले गहलोत, फिर वसुंधरा, वापस गहलोत, वापस वसुंधरा। अब आते हैं आपके नेक्स्ट इलेक्शन 2018। ये भी इलेक्शन काफी समय बाद राजस्थान में ऐसा लगा कि CM को लेकर हलचल हुई। 21 सीटें आई, 21 सीट्स कांग्रेस की। अशोक गहलोत को सही तरीके से देखा जाए ना, तो उस समय राजनीति से इस्तीफा दे देना चाहिए कि मैं जिम्मेदार हूं पार्टी के ये हालात के लिए, और आई एम रिजाइनिंग फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ, मैं नहीं किसी भी कांग्रेस में या एक्टिव पॉलिटिक्स में, क्योंकि मुझे जनता ने नकार दिया। चुपचाप बैठ गए। फिर PCC चीफ बनाया गया चेंज करके, युवा नेता सचिन पायलट, राजेश पायलट के सुपुत्र, राजेश पायलट, माधवराव सिंधिया और राजीव गांधी, ये तीनों हम उम्र माने जाते हैं, और अच्छी खासी इनकी दोस्ती भी थी और पॉलिटिक्स में तीनों जगह एक्टिव भी थे। पायलट लिखते हैं क्योंकि पायलट थे, जैसे गुज्जर है बाय कास्ट, अब जाते क्या लिखते हैं ये अभी तक कहीं मेंशन इतना पढ़ा नहीं हमने। सचिन पायलट को PCC चीफ के भाई रिकवर करना है। सचिन पायलट जब से कांग्रेस हारी 2013 में, तब से लेकर 5 साल तक पूरे जगह जगह घूम घूम के कांग्रेस को वापस स्टैंड किया, और इस टाइम पीरियड के दौरान हम पढ़ा करते थे, तो हमें अखबार पढ़ना एक हमारा रूटीन था। और हमारे जो, जहाँ कोचिंग की हमने, सर भी हमें यही कहा करते थे कि अखबार शाम को पढ़ना चाहिए, तो और कोशिश भी करते हम शाम को पढ़े, तो शाम को तसल्ली से पढ़ते क्योंकि रात को कहीं जाना नहीं, लेट सो जाएंगे। तो ये सारी घटनाएं आती रहती थी, आज पायलट ने यहाँ रैली की, आज पायलट ने यहाँ सभा की, तो ये तो हमने प्रत्यक्ष देखा है कि इस व्यक्ति ने, सचिन पायलट ने काफ़ी हद तक कांग्रेस को एमर्ज करने में, उस सदमे से बाहर निकालने में कोशिश की। कांग्रेस की सीटें आई 100, एक कम थी, मेजोरिटी को तो एक मैनेज हो जाती है, बीजेपी की 73। फिर वसुंधरा के ऊपर वही टैग अशोक गहलोत के ऊपर लगा, 163 में माइनस करो करीबन 90 सीट, 90 सीट आप हार रहे हो, और आप मुख्यमंत्री थे, यू आर द सोल रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिफीट एंड यू हैव टू रिजाइन। मेरा मन तो यही कहता है कि अगर ऐसी कोई हार करता है तो उसको इस्तीफा हाथों हाथ, बिना सोचे समझे, बिना कारण के, और पार्टी चीफ को एक्सेप्ट भी करने लेना चाहिए। लेकिन क्या है ना, भारत में राजनीति थोड़ी अलग है, भारत में राजनीति क्या है, लड्डू खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ, कोई आप, अगर आप में दिमाग है और आप किसी भी तरीके से उठा पटक करके अपने आप को बैलेंस करना सीख जाते हो, तो राजनीति में आप काम के लिए, या जैसे पायलट ने किया। अब जैसे ही 100 बने, इसमें जीतने वाले जो थे वो कांग्रेस के सपोर्टर ज्यादा थे, लेकिन पायलट रियल हकदार थे, पायलट के नाम पे काफी वोट आए, तो फिर वो CM के पद को लेकर लड़े। केंद्र में सोनिया गांधी, और पहले ही हमने पढ़ा था कि सोनिया गांधी जो है वो उन पर, अशोक गहलोत पर विश्वास ज्यादा करती थी। तो ये घटनाक्रम इस तरीके से चला कि आना जाना आना जाना, दिल्ली के चक्कर, आज पायलट को बुलाया है, आज अशोक गहलोत को बुलाया है, आज इनकी मीटिंग है, आज विधायक दल की मीटिंग है, काफी मामला चला। और अल्टीमेटली समझौता कहाँ जाकर हुआ, अशोक गहलोत CM बनाए गए और पायलट डिप्टी CM। अब डिप्टी CM कॉन्स्टिट्यूशन में कोई पद नहीं है,
डिप्टी सीएम मतलब एक मंत्री, कैबिनेट का जो मिनिस्टर होता है वही डिप्टी सीएम के बराबर का माना जाएगा। जितने भी अच्छे पोर्टफोलियो थे, जितने भी अच्छे डिपार्टमेंट थे अशोक गहलोत ने अपने पास रखे, रेवेन्यू, ये ट्रांसफर जिसके अकॉर्डिंग होती है, पर्सनल डिपार्टमेंट, एक और डिपार्टमेंट होता है जिसको बोलते हैं होम डिपार्टमेंट, ये सारे डिपार्टमेंट मेन मेन अपने पास रखे, पायलट को नहीं दिए, और पायलट के जितने भी काम होते थे वो सारे अटकाए जाते थे। दुखी होकर पायलट ने क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया, और किसी तरह का मंत्री पद बाद में स्वीकार नहीं किया, सिर्फ विधायक रहे। अब ये घटनाक्रम हो गया, पता लग गया कि इनके बीच में लड़ाई है। इसी समय मध्य प्रदेश में भी 2018 में यही केस हुआ। 2018 के अंदर मध्य प्रदेश में आपके बीजेपी और कांग्रेस के बीच में इसी तरह का मार्जिन रहा। कांग्रेस के सीटें आई 116, बीजेपी के आई 108। अब 116 जब सीट आई ना, तो कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया इनके बीच में सीएम पद को लेकर लड़ाई हुई। सीएम कमलनाथ, क्योंकि कमलनाथ इंदिरा गांधी के समय से एक्टिव थे तो इनको बनाया गया, ये नाराज हो गए। ये जैसे ही नाराज हुए, उन्होंने 22 विधायक, 16 में 116 में से 22 विधायक ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ इस्तीफा दे दिया। सरकार गिर गई, बीजेपी को सपोर्ट किया, शिवराज सिंह ने शपथ ले ली, री इलेक्शन हुए 22 के बाद, और छोड़ते छोड़ते 34 विधायकों ने कांग्रेस छोड़ी, और 34 में से 26 या 25 जीत कर आए वापस, बाकी सारे हार गए, क्योंकि पार्टी चेंज करते चुनाव होंगे वापस, सदस्यता आपकी रद्द हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। ये घटनाक्रम मध्य प्रदेश में हुआ। ज्योतिरादित्य सिंधिया को सेंट्रल में मिनिस्टर बनाया गया, नागरिक उड्डयन मंत्री, क्या कह सकते हैं इसको, एयरलाइंस मिनिस्टर। ये घटनाक्रम यहां पर भी होने वाला था। पायलट ने 19 विधायकों के साथ गुड़गांव गए, बीजेपी की गवर्नमेंट थी हरियाणा में, उनको सपोर्ट दिया गया। बचे हुए जो कांग्रेस के सारे एमएलए थे, डर था कि कहीं टूट ना जाए, उनको लेकर जैसलमेर के किसी होटल में ठहराया गया, और उस समय भयंकर कोरोना काल चल रहा था, जनता देख रही थी इनका तमाशा। क्या समझते हैं ये जनता को, भगवान ही जाने। जनता देख रही थी, कोरोना में लोग मर रहे थे, हॉस्पिटल्स की फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं हो पा रही थी, और क्या हो रहा था नाटक। कुछ लोग, कुछ विधायक दिल्ली में बैठे थे, गुड़गांव में, और कुछ विधायक जैसलमेर के किसी होटल में आराम से ऐशो आराम कर रहे हैं। आप अखबार की कटिंग या ये इवेंट आप देख सकते हो, जो उन्होंने डेमोक्रेसी का मजाक बनाया। डर था, चाहे पायलट की बात हो, चाहे सचिन पायलट या अशोक गहलोत की बात हो। तो थोड़ा सा डिस्प्यूट हुआ, अमित शाह शायद लोग कहते हैं इसीलिए जाने जाते हैं, तो अमित शाह से कांटेक्ट की भी कोशिश की, बट ये मामला बैठा नहीं। और पायलट जिन जिन विधायकों को लेकर गए थे, वो विधायक एक एक करके वापस लौट के आ गए, और सरकार गिरने से बच गई। लेकिन इससे एक हो गया कि गहलोत को ये प्रूव करने का मौका मिल गया कि सचिन पायलट पार्टी के साथ धोखा कर सकता है और मैं पार्टी का वफादार हूँ। तो जो आला कमान, जिसको हाई कमांड बोलते हैं, वो शायद इस चीज को लेकर थोड़ी सी हो गई, हाँ यार ये पार्टी को बचाने के लिए खड़ा रहा था। तो ये इवेंट उस समय हुआ। अब आते हैं वापस, तो इस इलेक्शन में पीसीसी चीफ सचिन पायलट, सोनिया गांधी ने मीडिएटरशिप की, अशोक गहलोत को सीएम बनाया, पायलट डेप्यूटी सीएम बने, फिर इनके बीच में डिस्प्यूट हो गया, रेजिग्नेशन दे दिया इन्होंने, और पार्टी लॉबिंग भी हो गई इस तरीके से। और वसुंधरा राजे को सबसे ज्यादा ब्लेम किया गया था इस इलेक्शन को हरवाने का, ब्लेम होगी होगी, तानाशाही। कई नेता उनके बारे में बताते हैं कि वो तो 8 बजे तक की सीएम है, अब पता नहीं क्यों इस तरीके से स्टेटमेंट लोग देते हैं, गलत है। किसी की व्यक्तिगत जीवन पर इस तरीके के आपको कमेंट करना अच्छा नहीं रहता। और इस चुनाव में अभी 2023 के, 2023 के इलेक्शन में जो हमने लोगों की स्टेटमेंट, जो लोगों की भाषाएं, कैसे वो अपनी मर्यादा को तार तार कर रहे हैं, ये राजस्थान तो कम से कम ऐसा नहीं था इतिहास में। अब हो गया है तो देखो कहां तक जाता है। तो ये 2018 में अशोक गहलोत सीएम और सचिन पायलट डेप्यूटी सीएम, चौथे डेप्यूटी सीएम राजस्थान के। अब आते हैं 16th इलेक्शंस 2023। तो जब हमने ये पीपीटी तैयार की थी, तब तक रिजल्ट नहीं आया था, तो अब रिजल्ट आ चुका है। मैं आपके सामने रिजल्ट को लिख लेता हूँ, और प्लस अभी जो हार हुई है, जीत हुई है कांग्रेस की, इसके पीछे के कारण भी आपको बता देते हैं। सबसे पहले ये जो चुनाव लड़ा गया, मोदी की गारंटी, यही चलता था चुनाव में कि मोदी की गारंटी, मतलब गारंटी की गारंटी,
इतना तक उन्होंने बोल दिया तो शायद लोगों ने मोदी के ऊपर भरोसा किया। एक तरफ कांग्रेस की आपके 7 गारंटी, देखो फ्री में देने, पता है फ्री में आपको दे रहे हो, 7 गारंटियां कांग्रेस ने दी आप पढ़ना, लेकिन उसका कोई औचित्य है नहीं, सरकार आई नहीं है तो वो बीजेपी कितना पूरा करती है अपनी गारंटीज। अभी जो पिछले अखबार थे उनमें पढ़ लेना, मेन पेज पर ही आता था, मेन पेज पर सारी रिपोर्ट वगैरह, ये रिपोर्ट क्या, ये जितनी भी गारंटियां वगैरह दे रखी है। तो मोदी की गारंटी को लोगों ने चुना, अब मोदी को चुना तो मुख्यमंत्री मोदी चुनेगा। इसीलिए अभी तक, जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तब तक सीएम का चेहरा सामने नहीं आया है, और पर्यवेक्षक जो होते हैं, जैसे एमएलए की जो मीटिंग करवाएंगे, एमएलए की वोटिंग करवाएंगे, और उनको ध्यान में रखने के लिए एक सेंट्रल से राजनाथ सिंह जी को भेजा गया है, और बीजेपी के वसुंधरा राजे राजेंद्र राठौड़ जी चुनाव हार गए, लगता था सीएम पद के दावेदार है, चुनाव हार गए आपके, ठीक है। इसके अलावा अब सेंट्रल से अश्विनी वैष्णव केंद्र में मंत्री है, आईएएस अधिकारी थे उड़ीसा कैडर के, मोदी जी ने रिटायरमेंट देकर रेल मंत्री बनाया। फिर आपके ओम बिड़ला का भी तो नाम, ओम बिड़ला का नाम अभी तक तो कहीं सुना नहीं है इसमें। बाबा बालकनाथ, योगीराज, तिजारा सीट से, अलवर से एमपी थे, तिजारा से विधायक बने, और ये भी दावेदारी पूरी कर रहे हैं बाबा बालकनाथ जी। क्या पता राजस्थान में चार बाबा, बाबा मत के ये चार साधु जो जिनका काम है जनता का भला करना, हिंदुत्व का जो प्रचार वगैरह है, तो बीजेपी की तरफ से चार जीत के आए, तो कहीं ना कहीं इनको मुख्यमंत्री मत बनाओ तो किसी न किसी को, कोई ना कोई महाराज को पद तो मिलना ही मिलना है। ये योगी जी वाले समुदाय से आते हैं, नाथ समुदाय, नाथ संप्रदाय जिसको बोलते हैं, तो योगी जी का इनको समर्थन दे रखा है पूरा आपके। फिर कर्नल राज्यवर्धन, ये हमारी ही जोटवाड़ा सीट से जहाँ हमारा कोचिंग संस्थान है, तो यहाँ से राज्यवर्धन जी का अच्छे मार्जिन से, वसुंधरा को रिप्लेस करने के लिए दिया कुमारी, बहुत से ऐसे नाम है, अब हाईकमांड डिसाइड करेगा। लेकिन दिक्कत यह है कि ये हार क्यों हुई, कांग्रेस ने इतने साल तो आपसी फूट, और एक जो पॉइंट मुझे देखने को मिलता है वो ये कि सचिन पायलट निष्क्रिय हो गए, सचिन पायलट नहीं चाहते थे कांग्रेस जीते, जहां तक मेरा एनालिसिस कहता है, क्योंकि जो सचिन पायलट ने पिछले इलेक्शन में काम किया था और जो इस इलेक्शन में काम किया था, हमें रात दिन का फर्क समझ में आता, उनको पता था कि मैं अगर बंद जीत भी जाती है कांग्रेस तो मुझे सीएम नहीं बनाएंगे, तो उन्होंने अपनी दिलचस्पी कम दिखाई और चुप रहे। उनको पता था कि कांग्रेस हारेगी, अशोक गहलोत के ऊपर इसका ठीकरा फूटेगा, और अगले 5 साल तक शायद अशोक गहलोत वापस आए ना आए, इनके बीच की जो तकरार है, ऐसे ऐसे स्टेटमेंट भी देखने को मिले, अशोक गहलोत साफ कह रहे हैं मैं इसको तो सीएम नहीं बनने दूंगा, बच्चा है, नाकारा है, नालायक है, इस तरीके से रगड़ना चाहिए, तो बहुत सी भाषाएं राजनीति के अंदर पता नहीं क्यों ऐसा इस्तेमाल करते हैं। कांग्रेस की जो सीट आई, बीजेपी और कांग्रेस की, तो बीजेपी की सीटें आई आपके 199 सीट पर इलेक्शन हुआ, एक सीट जो है करणपुर की, वहां पर कांग्रेस प्रत्याशी का निधन हो गया, तो उसका कार्यक्रम जितना जो भी है इलेक्शन का वो अब शुरू होगा, उसमें सिर्फ कांग्रेस का कैंडिडेट घोषित किया जाएगा, बीजेपी का वही रहेगा। कांग्रेस के 63 सीटें, निर्दलीय इस बार जो एक अच्छा देखने को मिला वो यह था, इंडिपेंडेंट 8 कैंडिडेट, 8 में से 7 कैंडिडेट बीजेपी से, 7 कैंडिडेट बीजेपी से टिकट मांग रहे थे, बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। इतनी मतलब लोगों के बीच में इनकी प्रचार करने का तरीका, लोगों के बीच में इनकी इमेज, कुछ तो पहली बार लड़ रहे थे, कुछ पहले बीजेपी से विधायक थे, लेकिन बीजेपी ने टिकट काट दिया, कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन इन्होंने अपने आप को प्रूव किया जनता के सामने। ये चीज़ मुझे एक अच्छी लगी कि अगर आप पार्टी, बीजेपी जैसी पार्टी से टिकट मांग रहे हो, आपको टिकट नहीं दिया जाता है, तो ऑब्वियसली बात है आपसे दमदार कैंडिडेट को टिकट दिया जाएगा, और दमदार कैंडिडेट को टिकट दिया, उसी सीट पर अगर कांग्रेस और कांग्रेस का भी कोई कैंडिडेट है जिसको टिकट नहीं दिया, इस तरीके का अगर एनवायरनमेंट बन जाता है किसी सीट पर और आप उस सीट को निकालते हो, आप रियल में नेता बनने लायक हो, आप पर जनता ने विश्वास किया है, और उनसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि जो जनता ने आप पर विश्वास किया है उस विश्वास को बनाए रखना, अगर इस पार्टी पॉलिटिक्स में चले गए आप, इसमें घुस गए,
तो वही हाल होगा जो बड़े बड़े नेताओं का हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। जनता आपको बनाती है, जनता ही आपको बिगाड़ती है, इस चीज का थोड़ा सा। तो ये 8 में से 7 बीजेपी के युवा नेता है, 3 तो सिर्फ जालौर और बाड़मेर से हैं, क्योंकि मैं वेस्टर्न राजस्थान से ही आता हूं तो वहां की पॉलिटिक्स को हमने काफी डिटेल में पढ़ा है। शिव रविंद्र सिंह भाटी, सांचौर जीवाराम चौधरी, देवजी पटेल सांसद थे, उनको हराया, बीजेपी की तरफ से लड़े हैं। प्रियंका चौधरी बाड़मेर, चित्तौड़गढ़ से चंद्रपाल सिंह आख्या, नरपल सिंह राजवीज पूर्व मंत्री, इन सब के इन चारों सीटों पर बीजेपी के वोट मिला हो ना तो 80,000 से ज्यादा नहीं होते, जो अकेले रविंद्र सिंह भाटी ने वोट 79,000 कुछ वोट लेकर आए। अच्छी बात है, युवा नेता उभर के आ रहा है, बट दिक्कत यह है कि ये युवा नेता कैसे मूव होते हैं आगे, मायने ये रखता। तो वर्तमान में बीजेपी जीत चुकी है, कौन से इलेक्शन है ये 16वें विधानसभा के इलेक्शन जो हुए हैं, इस इलेक्शन में बीजेपी ने जीत हासिल की है। कांग्रेस लगभग बीजेपी से आधे पे सिमट गई, सीएम पद की अभी घोषणा हुई नहीं है, सीएम जब बनाया जाएगा उम्मीद है, हम भी उम्मीद करते हैं नया सीएम बनाओ, 25 साल से हम वही दो चेहरे देख रहे हैं तो हम चाहते हैं कुछ बदलाव हो, और बदलाव ऐसा हो सिर्फ अगले लोकसभा चुनाव का ध्यान नहीं रखना है, राजस्थान का लंबे समय तक ध्यान रखना है। जो डेवलपमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट अभी कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, उस डेवलपमेंट में स्टेट गवर्नमेंट को भी साथ में आना पड़ेगा, तब कहीं जाके राजस्थान जो पहले बीमारू राज्य में आता था तो अब वो राजस्थान धीरे धीरे उससे बाहर निकलने लगा है। एक सर्वे हुआ था कि पूरे भारत में कौन से राज्य में सबसे ज्यादा पक्के मकान हैं, तो उसका उत्तर था राजस्थान। मकान अगर पक्का है इसका मतलब खाना पीना आपका अच्छा है, गरीबी है उसको भी थोड़ा सा समाधान, रिजर्वेशन की प्रॉब्लम है उसको भी समाधान करना पड़ेगा, जातिवाद चरम पर है, पीक पर है। अभी 2 दिन पहले 4 दिन पहले एक हत्याकांड, राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के जो अध्यक्ष थे उनको घर में घुसकर, तो ये क्राइम इस लेवल तक, एक बड़ा नेता सुरक्षित नहीं है तो आप अंदाज लगा सकते हो कि आम आदमी तो क्या है, इतना कोई बवाल मचाता भी नहीं, हालांकि हत्यारे वगैरह पकड़े गए तो ये कार्रवाई पुलिस अपनी कर ही रही है। तो राजस्थान के सारे सीएम हमने पढ़ लिए हैं, आप चाहो तो सारे वीडियो रिवाइज करके देख सकते हो, जो चीज़ें मैंने लिखी है वो भी पढ़ सकते हो, और इसके बाद हम एक सीरीज और शुरू करेंगे प्रधानमंत्री की सीरीज, क्योंकि अगला इलेक्शन लोकसभा का जो है वो प्रधानमंत्री सीरीज है। उससे पहले अभी सीबीएसई के एग्जाम शुरू है, तो मेरा एनसीईआरटी 11th 12th के सिलेबस पर अच्छा खासा कमांड है, क्योंकि मैं काफ़ी साल तक इनको पढ़ाया, तो मेरी इच्छा है कि मेरे चैनल पर 12th बोर्ड से रिलेटेड कुछ वीडियोस में डालूं, जिससे बच्चों को बोर्ड एग्ज़ाम में प्रिपेयर करने की मदद मिले। तो मेरा मकसद यह है, क्योंकि सीबीएसई की जो किताबें हैं एनसीईआरटी की, वही कहीं ना कहीं यूपीएससी का एक बेस है, और अगर मैं 12th के वीडियो डालता हूँ तो इसमें एक तीर से दो निशाने वाली बात सिद्ध होती है, 12th के बच्चे भी पढ़ लेंगे और आरपीएससी यूपीएससी की तैयारी करने वाले जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनको एनसीईआरटी बुक्स की समरी मिल जाएगी, उसको मैं यहीं पर एक्सप्लेन करूंगा बिल्कुल समराइज फॉर्म में, नोट्स फॉर्म में, तो बच्चों को भी लिखने में मदद होगी और आपको भी एनसीईआरटी अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद, दिन आपका शुभ रहे। जिस सूचना का हम इंतजार कर रहे थे वह सूचना 14 दिसंबर यानी कि आज आ चुकी है, और जिस समय वीडियो की एडिटिंग चल रही थी उसी समय ये सूचना आई, तो मुझे लगा कि इसका अलग से क्लिप बनाकर और सेम वीडियो में ऐड करने से चीफ मिनिस्टर्स की जो लिस्ट है वो आपकी पूरी हो जाएगी। तो सूचना इस हिसाब से आई है, हमने पहले एक चीज़ देख ली थी कि जो 3 दिसंबर को रिजल्ट आया था वो आपके किसके फेवर में, बीजेपी, कितनी सीटें बीजेपी 115 सीट्स बीजेपी, एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस की कितनी आई 69, तो ये सीट थी, और इसके बाद से ये अनुमान लगाए जा रहे थे कि सीएम कौन होगा सीएम कौन होगा, और मैंने आपको जैसे कुछ देर पहले ही इस वीडियो में ये बता रखा है कि बहुत से ऐसे नाम थे जो चर्चा में थे और जिनको मुख्यमंत्री पद मिल सकता था। अब लोग उम्मीद कर रहे थे कि मुख्यमंत्री पद किसी पुराने अनुभवी नेता को मिलेगा, जैसे वसुंधरा राजे हो गई,
राजेंद्र राठौड़ तो चुनाव हार गए थे, इसके अलावा ये भी सोचा जा रहा था कि मोदी जी की गारंटी पे ये चुनाव लड़ा गया है, मोदी जी के चेहरे पर ये चुनाव लड़ा गया है, तो शायद केंद्र से कोई मिनिस्टर जैसे गजेंद्र सिंह शेखावत, कैलाश चौधरी, ये लोग आएंगे या इनमें से किसी एक को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। काफी लंबी चर्चा हुई और शायद स्टेट लीडर्स और हाई कमांड के बीच में कुछ न कुछ समझौता बनाने की कोशिश की होगी, और इसके लिए राजनाथ सिंह जी को दिल्ली से जयपुर भेजा गया विधायक दल की बैठक करवाने के लिए और सीएम का चेहरा तय करने के लिए। तो राजनाथ सिंह जी जब आए तो मेरा ये अनुमान कहता है कि वो शायद गजेंद्र सिंह या फिर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का नाम लेकर आए होंगे। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब राजनाथ सिंह जी आए तो सीधे बीजेपी कार्यालय न जाकर होटल में, जहां उनका मीटिंग वगैरह थी स्टेट लीडर्स, स्टेट लीडर्स का मतलब है वसुंधरा राजे, तो एयरपोर्ट से कार्यालय जाने के बीच में 45 मिनट से लेकर 1 आवर तक इनके बीच मीटिंग हुई वसुंधरा राजे और राजनाथ सिंह जी के बीच में। तो शायद मेरा अनुमान ये कह रहा है कि केंद्र ने ये नाम प्रस्तावित किए होंगे और इन नामों को वसुंधरा जी ने खारिज कर दिया होगा। अब ये अपनी अपनी पद को, अपने अपनी इमेज को बताने के लिए एक थोड़ी सी इगोइस्टिक प्रॉब्लम नेताओं में होती होती है, तो उनके बाद में इनकी कोई चर्चा बनी नहीं होगी। और जैसा मैं आपको पहले कह रहा था कि बिल्कुल नया चेहरा आना चाहिए, और वैसा ही हुआ, एक नहीं बहुत सारे चेहरे नए आए, जैसा कि हमने देखा छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश के अंदर नए सीएम प्लस उनके साथ में 2 डिप्यूटी सीएम। तो ये एक कॉम्बिनेशन बीजेपी हाई कमांड सोच रहा था कि राजस्थान में भी इसको उतारा जाए, और वही हुआ। राजस्थान के जो अगले सीएम 16th इलेक्शन के 14th सीएम, राजस्थान के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में भजन लाल जी शर्मा, सांगानेर से विधायक, पहली बार चुनाव लड़े हैं, पहली बार जीते हैं, 40 वर्षों से बीजेपी संगठन संघ से जुड़े हुए थे। तो शायद इनका जो काम करने का तरीका है, इनकी कर्म निष्ठा है, इसको देखते हुए हाई कमांड ने भजन लाल जी शर्मा को राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। मैं हाई कमांड नियुक्त किया इसलिए कहता हूं कि विधायक दल की बैठक महज एक औपचारिकता फॉर्मेलिटी थी, बाकी नाम जो हाई कमांड ने तय किया है, शायद वसुंधरा जी ने विरोध किया भी होगा, ऐसे बहुत सारे वीडियो भी आ रहे हैं जिसमें वो एक चिट्ठी पढ़कर, एक जो स्लिप जो है वो पढ़कर और चेहरे के हाव-भाव चेंज हो रहे हैं, तो राजनीति में ये चीजें सामान्य सी है। और जो एक सीएम, 1 CM and 2 Deputy CM वाला जो फॉर्मूला था, उसमें 2 Deputy CM जो बनते हैं राजस्थान से, वो बनते हैं आपके, एक तो पहले एमएलए रह चुकी, उसके बाद में सांसद, देन वापस इस बार एमएलए का इलेक्शन लड़ा, और एमएलए का इलेक्शन ना लड़ा विद्याधर नगर वाली सीट से दिया कुमारी की, पूर्व राजघराना, जयपुर का जो राजघराना है उससे संबंध रखती है, और इनको डेप्यूटी सीएम बनाया गया है। एक डेप्यूटी सीएम और बनाए गए हैं जो बिल्कुल एक तरह से राजस्थान की राजनीति में जो कद्दावर नेता थे उनके लिए बड़ा शॉकिंग था, एक सामान्य से कार्यकर्ता, दूदू से विधायक प्रेमचंद बैरवा, इनको भी डेप्यूटी सीएम बनाया गया है। डेप्यूटी सीएम की पद नहीं होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज अपने नेताओं को खुश करने के लिए, जातीय समीकरण बिठाने के लिए, ठीक है, और भी कोई नाराज जो नेता है उनको खुश करने के लिए इस तरीके की सिस्टम या इस तरीके की प्लानिंग करती है जिससे सब खुश रह जाए। तो कल 15 को ये शायद शपथ लेंगे, हाँ 15 की तय कर रखी है, शपथ लेंगे, और इसी के साथ राजस्थान का जो सरकार बनाने की प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी, और इसके बाद मिनिस्टर्स को भी शामिल कर दिया जाएगा, और मिनिस्टर्स को शामिल करने के बाद फिर सरकार का टारगेट होगा लोकसभा की 25 सीटें जिताना। अब इसका पीछे रीजन ये है कि जब मोदी ने तय किया है कि प्रधानमंत्री कौन नया, सॉरी मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो वही तय करेंगे कि आने वाली जो लोकसभा इलेक्शन है उसमें 25 की 25 सीटें राजस्थान की इनको मिले, और इस तरह की जो केंद्र की और राज्य सरकार की स्कीम्स हैं दोनों को सम्मिलित रूप से स्टेट के अंदर इम्प्लीमेंट किया जाए। तो आपके मुख्यमंत्री की लिस्ट अभी तक तो पूरी होती है, अब अगले 5 साल बाद कोई नया सीएम आएगा तब हम जरूर इस वीडियो को वापस से एक बार एडिट करने की कोशिश करेंगे, या उस समय नया वीडियो ही बना देंगे। धन्यवाद।
Thank you.